अपोज नहीं करते बेल पटिशन को, आप अंदाजा लगाइए आप कि 90 दिन तक बेल नहीं होती कम से कम मर्डर केस में। यह और बात है कि अगर सही पैरवी की जाए तो अटेम्प्ट टू मर्डर में 6 साल भी नहीं होती, 6 साल भी नहीं होती, समझे ना आप। बहरहाल मेरे भाई, हरियाणा में जुनैद से यह हाल किया गया। हरियाणा की बात कर रहा हूं, दोपहर में फोन आया हरियाणा से, हमारे बेवाती भाइयों का फोन आया, कहा ओवैसी साहब, जिन 6 लोगों को जिनका नाम पीलू खान ने लिखाया था, जब पीलू खान को मारा गया अलवर में, तो पीलू खान ने दवाखाने में मरने से पहले 6 लोगों का नाम लिखाया। आज राजस्थान की सरकार उन 6 लोगों पे से केस हटा देती है। पीलू खान के बेटे इरशाद का कहना है कि जब हमको मारा पीटा जा रहा था तो मेरे अब्बा ने, यानी पीलू खान ने और मुझ में, मैंने हुकुम सिंह का नाम सुना, ओम का नाम सुना, सुधीर और राहुल का नाम सुना। राजस्थान में बीजेपी की सरकार सीआईडी गई थी और थे नहीं वहां पे, वो गौशाला में बैठे थे और गाय का दूध निकालते थे, नहीं दूध निकालते थे, पी रहे थे, नहीं मालूम। आप बताइए, जो आदमी मरने से पहले कोई झूठ बोलता क्या, डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट में है, कोर्ट के सामने तो ही मर, पुलिस ऑफिसर के सामने पीलू खान ने कहा, तो बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि मरने वाला पीलू खान झूठ बोलकर मरा। उसको जब सरेआम रोड पर मारा पीटा जा रहा था, जब उसने अपनी कानों से उन मारने वालों के नाम सुने, उसके बेटों ने नाम सुना, मगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार उनका नाम निकाल देती है। यह आपका इंसाफ, बताइए आप, 6 लोगों पे से केस उठ गया, अब 9 पर केस चलेगा, 9 में से 2 अभी तक नहीं पकड़े गए, 5 की बेल हो गई, 5 की बेल हो गई अभी। ये सरकार बीजेपी की ओपनली, खुले आम, सरेआम और बगैर किसी शर्मिंदगी की, जिन लोगों ने इंसानों को मारा उनका साथ दे रही है। किस बुनियाद पर आप उनको कहते हैं? मेरे भाई, ये हाल आज हरियाणा में, राजस्थान में होगा। पीलू खान का बेटा आज रो रो कर कह रहा है कि हमने अपनी कानों से सुना था इन 6 लोगों का नाम, जिनको आज राजस्थान की सीआईडी सरकार ने उनके नाम निकाल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन पूरी कोशिश हो रही है कि हमको अपनी शरीयत से दूर किया जाए,